कि यूजी और पीजी सेमेस्टर्स के एग्जाम्स को ब्लेंडेड मोड में ही कराने की रिक्वेस्ट आज मेरे पास आई है। और जो आपने ज्ञापन सौंपा है क्या बताना चाहिए? आज हम उपकुलपति महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे कि जो फरवरी और मार्च में परीक्षा है उनका मोड जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति खत्म हो और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और हमने एक और मांग रखी है उपकुलपति महोदय जी से कि ये परीक्षा हैं ब्लेंडेड मोड में ही ली जाए, क्योंकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय VUIT की परीक्षा ऑनलाइन ले रहा है, सभी को समानता का अधिकार है, ये UG और PG की परीक्षाएं वो भी ऑनलाइन ली जाए, हमने ये मांग रखी है। तो DSW सर ने हमें आश्वासन दिया है कि फैसला छात्र हितों में ही आएगा और एक दो दिन में नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आपका नाम? भारत ब्राड़। बताना चाहेंगे जो बच्चे मांग लेके आए आपके पास जो विश्वविद्यालय के एग्जाम होने हैं कि वो उनको ऑनलाइन कराया जाए, किस तरीके से अब मांग को देखा जा रहा है? विश्वविद्यालय BTech के एग्ज़ाम्स के लिए पहले ही ब्लेंडेड मोड में कराने का निर्णय ले चुका है। अभी कैंपस के विद्यार्थियों की UG और PG सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स को ब्लेंडेड मोड में ही कराने की रिक्वेस्ट आज मेरे पास आई है और उसको रिकमेंडेशंस के लिए कुलपति जी के संज्ञान में मैंने उनको भेजा है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हित में जल्दी से ही निर्णय लेकर के उनको सूचित करेगा और निर्णय लेते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने किस मोड में पढ़ाई की है। मैं इतना ज़रूर विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज की स्थिति को देख करके और जिस स्थिति में उन्होंने पढ़ाई की है उसको देखते हुए विश्वविद्यालय उनके हित में ही निर्णय लेगा सारी चीज़ों को देखते हुए, और बड़ी जल्दी ही विद इन दिस वीक और एक या दो दिन के अंदर उनको जो मोड जिसमें एग्ज़ाम होना है उसकी उनको सूचना दी जाएगी ताकि समय रहते विद्यार्थी तैयारी कर सकें और उनका जो मोड है वो बताया जाएगा। तो विद्यार्थी निश्चिंत होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी करें, विश्वविद्यालय उनके हित के में ही कोई निर्णय लेगा। धन्यवाद।